ऐसी स्वरावली जो राग को प्रदर्शित करती है उसे कहते हैं स्थाय। लग्गी लड़ी किस ताल में बसती है? कैरवा प्रबंध धातु की संख्या है 4। अविभाव तौर भाव का प्रदर्शन कहाँ होता है? अलाप्ति। पूरिया धनश्री का प्रदर्शन करते समय स्वरावली मा धा सा रे सा नी धा पा मा गा मा किस राग का तौर भाव होगा? बसंत। अल्पत्व के सही प्रकार है अलंगन गौण सारा राग गौण में किस प्रकार के तानों का उपयोग उचित होगा? वक्र। आश्रावण संखोटना लीलाकृत किसके प्रकार हैं? बाह्य गीत लघु मध्यमा और बृहति किसके प्रकार हैं? किन्नरी विचित्र वीणा को कितनी उंगलियां बजाते हैं? 3। 17 पर्दे के सितार को कौन बजाते थे? मुश्ताक अली। जिसे मृतु और धातु का ज्ञान हो उसे कहते हैं वज्ञकार। जाति गायन के अंश स्वर को आज राग गायन के किस स्तर के समान माना जाता है? वादी। अनुरण किसकी विशेषता है? स्वर। भरत ने किन रसों की चर्चा की है? श्रृंगार। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु। किस विद्वान ने 64 कलाओं का वर्णन किया? वास्यान। रे गा रे सा कौन सा राग है? तोड़ी। रे पा रे गा सा रे नी सा किस राग की स्वरावली है? देसी। गौण सारंग में किस स्वर के दोनों उपयोग होते हैं? मध्यम। कौन सा उत्तरांग प्रधान राग है? अड़ाणा। क्रिया के प्रकार कौन से हैं? सशब्द। कौन सा यति का प्रकार नहीं है? मार्ग। किस ताल में जब ताल के समान मात्राएं हैं? सूल ताल। कौन सा गायक का दोष नहीं है? सुघट। किस कलाकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? रविशंकर। पंडित सारंगदेव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा? 10। 4 ताल सूर ताल तीव्र ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है। ध्रुपद। जिस स्थान से ताल का आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? सम। कौन सा वाद्य समांतर सप्तक पर आधारित है? हारमोनियम।